IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। हाथरस की सदाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा सदाबाद क्षेत्र के गांव ईदलपुर निवासी राधा रमन पुत्र विद्याराम से लगभग 3 किलो गांजा बरामद किया, जिसका खुलासा करते हुए सीओ योगेश कुमार ने बताया कि सदाबाद कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद के अलावा उप निरीक्षक डिप्टी सिंह, एसआई रामदास पचौरी, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, अनिल कुमार, अमित कुमार, गौरव विपिन आदि के द्वारा सफलता हासिल की गई। अपराधी को जेल भेजा जा रहा है। गांजे पकड़ा गया, क्या मामला है? एक मिनट अभी बैठ के थाना से बैठ के बात कर रहा हूं। इसमें जो है ईदलपुर गांव से कागज ले आए, उन्होंने उसे बुला के पहले बात कर लेंगे। बाकी इसमें अभी और ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, और जो भी अन्य लोग होंगे जो दोषी होंगे उनके खिलाफ भी जांच पर कार्रवाई की। काकी सक्सेना, सक्सेना लाइट एंड की तरफ से होली की आप सबको शुभकामना देते हुए, भेदभावना ना बनाते हुए होली पर ना कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ना करते हुए होली का त्योहार अच्छी तरीके से मनाएं।